ट्रीट का चौका। संतोष, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके दो दमदार शेयर कौन से हैं जहां पर आपको आखिरी के 1.5-2 घंटे के आसपास का जो सत्र बचा है उसमें आपको मौके दिख रहे हैं, कहां पर आप दांव लगाना चाहेंगे? मेरे दो स्टॉक है, एक बाइंग साइड है और एक सेलिंग साइड है। पहला स्टॉक मेरा बाइंग साइड से पावर ग्रिड है। हम देखें तो एंटायर पीएसयू बास्केट में स्ट्रेंथ है। इस महीने का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स भी रहा है और आज के सत्र में भी नीचे की गिरावट के बाद पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पावर ग्रिड की बात करें तो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक ने पुल बैक दिखाया और वहीं से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करते नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर और तेजी बनेगी। आज के दिन शायद 231 के टारगेट देखने को मिल जाए तो आप 224 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हो। सेल साइड मेरा कोफोर्ज रहेगा। आईटी स्टॉक्स में कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसमें कोफोर्ज में सबसे ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है। स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए नजर आ रहा है और हो सकता है अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाए, तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट रहेगा आपका 4080 का रहेगा इंट्राडे का और 4175 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, संतोष की तरफ से बिल्कुल बाजार में थोड़ी बैलेंस साधने की कोशिश है। कोफोर्स को सेल कर रहे हैं और 4080 के लक्ष्य के लिए 4175 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगा के चलना है। और पावर ग्रिड को खरीदने की सलाह, हम देख रहे हैं कि आज अगर इंडेक्स में अगर आप तेजी वाले को शेयर खोजेंगे तो उसमें पावर वाले ही स्टॉक्स दिखेंगे। हालांकि कहीं पर भी जो गेंस है वो 1% से ज्यादा के नहीं है। पावर ग्रिड 231 के टारगेट के लिए 0.5% ऊपर है पावर ग्रिड, लेकिन निफ्टी में दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। पहले नंबर पर है एनटीपीसी, जहां पर हम लगातार अपने एक्सपोर्ट्स की तरफ से तेजी को लेकर राय हम सुनते आ रहे हैं। और उसके पीछे टाटा मोटर भी है, 0.5% के आसपास से तेजी है। हालांकि शुरुआत में 1% ऊपर ये शेयर था, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ा सा ये फिसला है। तो पावर ग्रिड को लॉन्ग करना है यानी कि खरीदना है, और कोफोर्स में बिकवाली करने की सलाह है संतोष की तरफ से। अजीत, आपकी सलाह क्या होगी, आपका कन्विक्शन कहां पर है, क्या आप भी कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी लेके आए हैं, एक बाय की एक सेल की, या फिर दोनों आपकी खरीदारी वाली राय होगी? नहीं अभिषेक, देखिए यहाँ पे मार्केट में क्योंकि जिस तरीके से गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे शॉर्ट एग्रेसिव शॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट यहाँ पे कुछ एक सेक्टर जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आपने बताया कि पावर रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे भी वही स्टॉक है, पावर ग्रिड को ही बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। रीजन सिंपल है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाईस के पास है, एक अभी हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में अगर टोन और नेगेटिव होता है तो 222 रुपए का एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 238 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे एक जो कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है जी लिमिटेड, यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रिस्पाइट नहीं है अभिषेक, जो लगातार आप देख रहे हैं कि यू नो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे जो मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट थे उसके नीचे ये ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रहा है अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे। और भी हाल फिलहाल में जो रिबाउंड आया था वहाँ पे भी आपने इसको सेलिंग प्रेशर को दोबारा से रिज्यूम होते हुए देखा है। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे भी आपको ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी और 186 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में 198 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट का शेयर आपको शॉर्ट करना है 186 रुपए के लक्ष्य के लिए। पिछले दिनों ये खबरों में भी था जी एंटरटेनमेंट का शेयर, और अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी है ऊपरी स्तरों से जरूर, और अभी ये गिरेगा जी एंटरटेनमेंट। और पावर ग्रिड पर हमारे एक्सपर्ट्स की सहमति है कि ये शेयर मजबूत होगा। हालांकि टारगेट थोड़े से बड़े हैं अजीत के, संतोष के मुकाबले 238 रुपए के टारगेट यहाँ सुझा रहे हैं। 226 पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है 222 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, तो स्टॉप लॉस छोटा है 4 रुपए के आसपास का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर साइड पर दिख रहा है अजीत को। अब कुछ और